सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन लीजिए। मेरा नाम डॉक्टर मोनिका राव है, मैं मेरठ गंगानगर की रहने वाली हूँ और मेरा क्लिनिक है अब्दुल्लापुर किला रोड पे। सो आपने धनवंतरी के साथ लास्ट ट्रेनिंग्स किए, काफी नॉलेज एक्लेम किया, उसके बाद आपने जो रिजल्ट लिए हैं उसमें आपके रिजल्ट्स के बारे में कुछ बताइए। कैसे रिजल्ट्स आपके सबसे ज्यादा रहे, किस टाइप के रहे हैं और कैसे चैलेंजेस आपने क्लियर आउट किए? मैं पिछले बार से धनवंतरी में ज्वाइन हुई हूँ। उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, पहला बेटा उसका 7.5 साल का था, फिर 6 साल के बाद हुआ। उसके बाद उसको कंसीव नहीं हो पा रहा था, उसको ओवरियन सिस्ट थी और कई डॉक्टर ने उनको बोला कि ओवरियन सिस्ट है, यूट्रस में प्रॉब्लम है तो शायद आपको कंसीव नहीं हो पाएगा और यूट्रस भी निकलवाना पड़ेगा क्योंकि उनको यूट्रस बुल्की हो रहा था। उसके बाद वो मेरे पास आई, मैंने अल्ट्रासाउंड कराया, मैंने उनको कहा कि ठीक है आप करा लेना जो भी आपका मन करे, प्लीज आप 2 महीने का ट्रीटमेंट आप मुझसे करा के देखें। उसके बाद मैंने प्रोटोरिस डब्ल्यू और कैलरिच और इम्यूरिच चलाया और सर आप यकीन माने कि 2 महीने के बाद मैंने सोचा कि वो मेडिसिन लेने आई होगी। उसके बाद उसने बताया कि मैं मैम गुड न्यूज है और मैं 1 महीने की प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ, तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई। उसके बाद अभी पिछले 17 तारीख को उसका बेटा हुआ है सीजीरियन 7 साल के बाद। बहुत बढ़िया, कांग्रेचुलेशन। हाँ जी सर। उसके बाद एक पेशेंट है राली चौहान से, काजल नाम है, उसकी 18 साल की उम्र में ही शादी हो गई थी पर अभी तक बच्चा नहीं है। उसको सर प्रॉब्लम आ रही थी, काफी दिन से ट्रीटमेंट कर रही है, उसको जो भी डॉक्टर बताता है कहता है कि अभी माँ बनने में मतलब माँ नहीं बन पाएंगे, अभी एज कम है, वो सारी प्रॉब्लम है, बट अभी अल्ट्रासाउंड नहीं कराया था किसी ने। उसके बाद मैंने ठीक है मैंने कहा आंटी आप मुझे 6 महीने दो, उसके बाद मैं आप 6 महीने दो उसके बाद ही मैं कुछ बता पाऊंगी। अभी पिछले 2 महीने से मैंने मतलब मेडिसिन चालू करी है। उसका देखा था उसको बहुत ज्यादा एब्डोमन पेन था, सुबह 4 बजे आई रो रही थी, उसको बहुत ज्यादा दर्द था। मैंने लोकप्रिय हॉस्पिटल में उसकी MRI कराई थी तो देखा तो उसकी राइट और लेफ्ट दोनों साइड में ओवरिन थी कम से कम 6 या 7। तो कुछ डॉक्टर ने एडवाइस किया कि इस पेन को तो पेशेंट मतलब बर्दाश्त भी नहीं कर सकती क्योंकि 3-3 डायनापार उसको लग रहे थे, तब भी उसको रिलीफ नहीं हो पा रहा था। ओवरिन सिस्ट थी सर बहुत ज्यादा। उसके बाद मैंने उनको इन्फ्यूजन दिया, 4 दिन अपने क्लिनिक पे सुबह शाम बुला के इंजेक्शन दिए उनको, दर्द तो कम हो गया बट उसके बाद फिर मैंने उनको ग्रीन रिच कैप्सूल हमारी धनवंतरी की प्रोटोरिस डब्ल्यू और ओमेगा ग्रीन कैप्सूल मैंने 5-5, 6-6 कैप्सूल उनको कांच के ग्लास में गोल गोल के पिलवाए थे उसको और प्लस एक्सरसाइज बताई थी, गर्म पानी सुबह उठ के पीने के लिए बोला था। 2 महीने के बाद मैंने कहा कि आप आंटी दवाई लेना आओ, उनकी सासू माँ ने बोला कि हम लोग पहले अल्ट्रासाउंड कराएंगे तब जाके हम आपकी दवाई चलाएंगे कि वो सिस्ट घुल रही है कि नहीं घुल रही है। मैंने कहा ठीक है आपका आपकी मर्जी है। उसके बाद मैंने जहां अल्ट्रासाउंड कराया था उसके बाद वही दोबारा अल्ट्रासाउंड कराने भेजा था तो बहुत अच्छी रिपोर्ट आई थी, मुझे खुद को बिलीव नहीं हो पा रहा था कि बिल्कुल रिपोर्ट उसकी क्लियर आई थी, ओवरियन सिस्ट बिल्कुल क्लियर थी। ग्रेट, बहुत बढ़िया। अभी भी उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, 2 महीने हुए अभी, मैंने अभी 4 महीने बाकी हैं उनके क्योंकि मैंने उनको 6 महीने को बोला था। तो मैडम आप एक शॉर्ट लाइन के अंदर, जैसे अभी धनवंतरी से आपने इतने अच्छे रिजल्ट लिए लेकिन डॉक्टरों की जो हमारे प्रोफेशन है उनमें कई डॉक्टरों की ऐसी सोच है कि आयुर्वेदिक मेडिसिन में भी शायद काम नहीं करती होंगी या वो उस पर ज्यादा निर्भर है, आप अपने इतने ट्रायल और इतने टाइम में जो धनवंतरी के साथ गुजारा आप इसका स्कोप आगे कैसे देख रही हैं? मेरे पास जो भी पेशेंट आता है चाहे उसको 2 महीने की प्रेगनेंसी हो या 1 मंथ की हो, सबसे पहले मैं उससे कहती हूँ देखो आप ये चाहते हो कि आपका बच्चा स्वस्थ पैदा हो या नॉर्मल डिलीवरी हो, सबसे पेशेंट ये चाहता है कि चाहे 1 लाख रुपए उठ जाए चाहे 50,000 हो पर पेशेंट की डिलीवरी जो नॉर्मली होनी चाहिए। तो मैं कहती हूँ नॉर्मल डिलीवरी करनी है तो मेरा इम्यूरिज कैप्सूल था। सही, बहुत बढ़िया बात। और होता भी यही है कि कई पेशेंटों को तो मैं वेट करती रहती हूँ कि 36 वीक्स हो गए कोई पेशेंट आया नहीं, मुझे डिलीवरी करनी है तो पता चलता है उसको तो बेटा रात हो गया। मुझे अगले दिन ही पता चलता है। इतने बेहतरीन रिजल्ट्स आप मैडम निकाल रही हैं। मैं 6 से 7 डिलीवरियां सर नॉर्मल कर चुकी हूँ। बहुत बढ़िया। और बहुत ही अच्छा, बच्चे भी बिल्कुल इतने एक्टिव आते हैं अभी तक सर, यकीन मानिए मैंने कभी भी अभी तक 7 बच्चों की जो डिलीवरी हुई है जो बच्चे हुए अभी तक मैंने किसी भी पीडियाट्रिक डॉक्टर के पास नहीं भेजा कि आप इसको दिखवा लो। सेकंड आपने ये भी देखा होगा कि बच्चों का वेट मैनेजमेंट अच्छा, सारे बच्चों के वजन कैसे रहे? वजन तो सर देखो बच्चे का नॉर्मल जो वेट है 3 से 3.5 किलो वेट। कहने का ये मतलब है कि जिनको आपने इम्यूनिज लगातार दिए उनमें कोई भी बच्चा अंडर वेट हुआ नहीं? बिल्कुल। सो दैट वाज नाइस टॉकिंग टू यू मैडम और हमें काफी खुशी है कि आप जैसे डॉक्टर्स हमारे साथ काम कर रहे हैं। वेलकम टू धनवंतरी अगेन एंड थैंक्स अ लॉट फॉर दैट। राइट।